स्टूडेंट्स वेलकम टू डीकेबी ट्यूटोरियल। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं एक और नया टॉपिक, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आने वाले चैप्टर में हम इसके बारे में बात करते ही रहेंगे। इलेक्ट्रो नेगेटिविटी क्या होती है एक बात, और स्टूडेंट्स इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने आप लोगों को बताया हुआ है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, साइज कैसे वेरी करता है लेफ्ट टू राइट चलने पर, टॉप टू बॉटम चलने पर। अगर आपने वो वीडियोस को नहीं देखा है तो पहले उन वीडियोस को देख लीजिए, तभी आप लोगों को ये बातें समझ में आएंगी, अदरवाइज समझने में प्रॉब्लम होगी। मैं इन सारे वीडियोस का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वहां से भी देख सकते हो। और एक और बात, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो स्टूडेंट, देन प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। हाँ, ये सब कहना पड़ता है, फॉर्मेलिटी, हम क्या करें हमें भी जो हमारी टीम है उसकी तरफ से बोलना, कहते हैं कि सर आप प्लीज ऐसा बोला करिए, तो ठीक है हमने कहा चलो हम आपकी बात को मानते हैं, बोलते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये क्या होती है स्टूडेंट, हम जानते हैं कोई भी कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन है एंड क्लोरीन है, क्लोरीन का कॉन्फिगरेशन कितना होता है 2.8.7, इसके लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस क्लोरीन की बात करेंगे हम तभी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ओके ये एक इलेक्ट्रॉन बन गया, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, दोनों ही खुश हो गए हैं, आराम से साथ में रहेंगे। लेकिन अगर यही बात हम HF के साथ में करें, ठीक है, आप जानते हो इस पेयर को हम क्या कहते हैं, शेयर्ड पेयर, ठीक है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और बाकी सबको हम बोलते हैं अनशेयर्ड पेयर या लोन पेयर। हम HF की बात करें, फ्लोरीन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट एंड फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट, यहां पर भी कौन सा बॉन्ड बन गया, सिंगल बॉन्ड बन गया, ये कौन सा पेयर है, शेयर्ड पेयर, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लेकिन दोनों ही बॉन्ड में थोड़ा सा अंतर होता है स्टूडेंट, क्या होता है, फ्लोरीन की एक टेंडेंसी होती है कि ये इस शेयर्ड पेयर को होना कैसे चाहिए, ये जो शेयर्ड पेयर है ये दोनों के एग्जैक्ट बीच में होना चाहिए, लेकिन ये फ्लोरीन क्या करता है, फ्लोरीन इस गेम में चीटिंग करता है, क्या करता है, चीटिंग करता है। अभी तो गेम बराबर बराबर का चल रहा था, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन तुम रखो, एक इलेक्ट्रॉन हम रखेंगे, आओ खेलेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने रखा, एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन ने रखा, दोनों ने बॉन्ड तो बनाया, लेकिन फ्लोरीन क्या करता है, गेम में चीटिंग करता है, क्या चीटिंग करता है, ये शेयर्ड पेयर को, लिसन मी वेरी केयरफुली, ये शेयर्ड पेयर को क्या करता है, अपनी तरफ खींच लेता है, इस शेयर्ड पेयर को थोड़ा अपनी तरफ क्या कर लेता है, खींच लेता है। अब खींच लेगा तब क्या आएगा, हम जानते हैं जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लेता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जब किसी एटम से इलेक्ट्रॉन जाता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, जिसकी वजह से इस फ्लोरीन पर कैसा चार्ज आ जाता है, डेल्टा नेगेटिव, एंड हाइड्रोजन पर कैसा चार्ज आ जाता है, डेल्टा पॉजिटिव। याद रखिएगा फ्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन पेयर को परमानेंटली नहीं ले लेगा, सिर्फ क्या करेगा, थोड़ा अपनी तरफ खींच के रखेगा, अपनी तरफ खींच के रखेगा, इसी जो इस शेयर्ड पेयर को अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है, ध्यान दीजिएगा, शेयर्ड पेयर को अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है, इसी टेंडेंसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, करेक्ट, शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है, इसी टेंडेंसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सर यहां पर भी ऐसा होगा क्या, बिल्कुल स्टूडेंट यहां पर भी ऐसा होगा, ये भी क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन है, दोनों एक जैसे एटम है, दोनों ही क्या करना चाहेंगे, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहेंगे। अब जितनी ताकत से ये खींचेगा उतनी ताकत से ये अपनी तरफ खींचेगा, तो क्या शेयर्ड पेयर कहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। जैसे आप एक बॉल को लो और एक तरफ से दो बच्चों को खड़ा कर दो, बोलो कि भाई चलो अपनी अपनी तरफ खींचो बॉल को, जैसे वो होता है टग वॉर होता है रस्सी खींचने वाला, अगर दोनों सबसे इक्वल फोर्स लग रहा है देन उस केस में कोई भी टीम नहीं गिरेगी, कोई भी टीम नहीं जीतेगी, लेकिन ज्यादा फोर्स ज्यादा हो जाएगा तभी तो टीम जीतेगी। तो यहां पर दोनों बराबर बराबर के फोर्स लगाएंगे, इस वजह से यहां पर कोई भी चार्ज आपको दिखाई नहीं देगा, मींस ये वाला जो बॉन्ड है ये नॉन पोलर रहेगा और ये वाला जो कोवलेंट बॉन्ड है ये पोलर रहेगा। हम इसके बारे में बात कोवलेंट बॉन्ड, पोलर बॉन्ड,
नॉन पोलर बॉन्ड, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर है, उसमें डिटेल में भी बात करेंगे इसके बारे में, यहाँ पर ज्यादा बातें नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात समझ में आ गई कि इलेक्ट्रॉन पेयर को, कौन से वाले इलेक्ट्रॉन पेयर को, शेयर्ड पेयर को टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। ध्यान रखिएगा, जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, एरो का मतलब बढ़ रही है। और टॉप टू बॉटम चलने पर, जब हम टॉप टू बॉटम चलेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। ठीक है, अगर एरो नीचे बनाया है तो कम हो रही है, एरो ऊपर बनाया है तो बढ़ रही है। ध्यान दीजिएगा, जब हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी, और जब हम टॉप टू बॉटम चलेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती जाएगी। रीजन वही है, साइज और न्यूक्लियर चार्ज। लेफ्ट टू राइट चलने पर साइज छोटा होता जाता है, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता जाता है। टॉप टू बॉटम चलने पर साइज बड़ा होता जाता है, न्यूक्लियर चार्ज कम होता जाता है। इसी वजह से हम ये कहेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं। तो सबसे लेफ्ट में कौन से एलिमेंट रखे हैं, सबसे एलिमेंट में रखा हुआ है 17 ग्रुप, आप लोगों को याद है, एफ सी एल बी आर एंड आई। तो पूरी पीरियोडिक टेबल का, ध्यान दीजिएगा, पूरी पीरियोडिक टेबल का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ये फ्लोरीन। ठीक है, इसको हम एक स्माइली देते हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये रहा फ्लोरीन। कैसा है, सबसे ज्यादा ताकतवर एटम है इलेक्ट्रॉन को खींचने के मामले में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसकी होती है, फ्लोरीन की होती है। ध्यान रखिएगा, अगर फ्लोरीन किसी के भी साथ बॉन्ड बना के बैठा हुआ है तो हमेशा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखेगा। सेकेंड नंबर पे आता है ऑक्सीजन। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मामले में अगर कोई अरेंज करने को बोले तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है फ्लोरीन की, उससे कम होती है ऑक्सीजन की। और तीसरे नंबर पर जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आता है वो है नाइट्रोजन स्टूडेंट। ओके, द मोस्ट पावरफुल एलिमेंट इन इन केस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज फ्लोरीन, सेकेंड पावरफुल इज ऑक्सीजन एंड थर्ड इज नाइट्रोजन। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब इनके बाद में ही आते हैं। ओके, सबसे ज्यादा फ्लोरीन, उससे कम ऑक्सीजन और उससे कम नाइट्रोजन। तो ये हुई बात इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। ओके, आई होप समझ में आया होगा आप लोगों के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। मिलते हैं नए टॉपिक में, नई वीडियो के साथ में, सॉरी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय डियर स्टूडेंट।